हेलो डियर, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉटिक्स लाइव ट्रेडिंग। आज इस वीडियो में हम कंपाउंडिंग करने वाले हैं, वो भी डॉलर वन से, और हमारा टारगेट है $1,000 या इससे ज्यादा करने का। हर चीज बहुत इंटरेस्टिंग और ट्रांसपेरेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना और आज आप इस वीडियो में समझोगे कि आप भी कैसे कंपाउंडिंग कर पाओगे और अपना, अगर आपका कोई छोटा अकाउंट है, आप उसको बड़ा भी कर पाओगे बहुत ही इजीली और रिस्क फ्री। बस शर्त ही आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, हर कुछ हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, तो स्किप मत करना। और गाइस, कंपाउंडिंग सब जानता है काफी रिस्की होता है क्योंकि पूरा बैलेंस एक बार में लगा देते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे समझेंगे कि कैसे हम काफी इजीली और रिस्क फ्री कंपाउंडिंग को सक्सेसफुली तरीके से एंड कर सकते हैं। कोई स्ट्रेटजी, कोई इंडिकेटर नहीं, ऑनली प्राइस एक्शन। और ये वीडियो में आपको ये कंफर्मेशन, ये कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा कि आप भी अपने ट्रेड ओपन करने के बाद बेझिझक आप प्रॉफिट का वेट करोगे। यहाँ पर हम डाउन डायरेक्शन के ट्रेड ओपन करेंगे। मैं पहले आपको बता देती हूँ कि ट्रेड हमारा डाउन होगा, लेकिन पेशेंस के साथ होगा, कंफर्मेशन के बाद होगा। तब तक क्या कर सकते हो, अगर आपका कोई कॉटिक्स का अकाउंट नहीं है, देन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाओ वहां से अकाउंट क्रिएट करो। $10,000 डेमो प्रैक्टिस के लिए मिलता है, रगड़ के प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस करने के वक्त गाइस, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है ना, आप मुझे बेझिझक इस आईडी पर मैसेज भी कर सकते हो, मैं इंस्टेंट रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करती हूँ एज सून एज पॉसिबल। और यहाँ पर जो हमारा ट्रेड है गाइस, थोड़ा सा कंफर्मेशन के बाद हम ट्रेड प्लेस कर देंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा जो बायर्स का मोमेंटम है वो स्ट्रांग हो रहा है, हमने ट्रेड प्लेस कर दिया, इसका रिजल्ट देखेंगे। तो जब तक हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं गाइस, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो इंस्टेंट, मैं रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करती हूँ। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना यार, ताकि अपकमिंग वीडियोस मिस ना हो। मैं आपके लिए इतना एफर्ट डालती हूँ। साथ ही साथ गाइज, ये जो मेरे ट्रेड है ना, ये जो मेरे शॉर्ट है, मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर भी करती हूँ टेलीग्राम पे, तो जाओ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं अपनी ट्रेडिंग सिग्नल्स डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर करती हूँ, काफी लोग प्रॉफिट भी करते हैं। और टेलीग्राम पे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे, जैसे कोई गिव अवे, प्रोमो कोड, बोनस कोड, ये सारी चीजें भी चलते रहती है। तो टेलीग्राम मिस मत करना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ट्रेड है, बहुत ज्यादा रिस्की चल रहा है क्योंकि मार्केट आज सच में बहुत ज्यादा वोलेटाइल मुझको लग रहा है। तो चलो थोड़ा सा इसका रिजल्ट करते हैं। देखो गाइस, कंपाउंडिंग में जो सीक्रेट है ना, ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि देखो ये पूरा वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक वीडियो के बने रहना। काफी रिस्की ट्रेड है आप देख सकते हो, लेकिन हमने जो प्रिडिक्ट किया है, मार्केट हमको रिजल्ट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लास्ट के सेकंड में हो सकता है कि हमको कुछ डवाडोल मिल सके। लेकिन देखते हैं गाइस क्या रिजल्ट होगा, बहुत ज्यादा क्लोज हो चुका है। और अगर ये ट्रेड विन हो जाएगा तो इसके लिए लाइक बनता है गाइस, बहुत ज्यादा क्लोज है। और यहाँ पर मुझको भी लग रहा है कि क्या होने वाला है भाई, मार्केट तो बहुत ज्यादा रिस्की चल रहा है, देख सकते हो कि कितना रिस्की है। लेकिन अगर आपकी ओके, लेकिन गाइज अगर आपका जो स्टडी है, आपका जो पेशेंस है, आपका जो नॉलेज है वो तगड़ा है, तो आपको प्रॉफिट भी होगा। और ये हमने करके दिखा दिया, लेकिन अभी हमने कंपाउंडिंग का सिर्फ फर्स्ट स्टेप पूरा किया है। हमारा टारगेट है कम से कम 1,000 तक करने का, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ, ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ बताऊं और आप ऑफकोर्स समझो भी। तो एक चीज मैं बता रही हूँ आपको, देखो मार्केट का ट्रेंड अप है और मैंने यहीं पर कह दिया था आसपास कि मैं डाउन ट्रेड लूंगी, डाउन का वेट करूंगी। और आप देख रहे हो कि मार्केट कितना तगड़ा नीचे जा रहा है, क्यों? देखो गाइस, आज कोई इंडिकेटर स्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम प्रॉफिट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक चीज आप यहाँ पर देखो, ये बायर्स का स्ट्रॉन्ग कैंडल, यहाँ पर सेलर्स का एक कैंडल मिला, बायर्स को तोड़कर फिर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल हो गया। अब ये वीक कैंडल, यानी कि बायर्स मोमेंटम को अपना लूज कर रहे थे। कंफर्मेशन कैसे मिल गया? रेड कैंडल से मिल गया। अगेन बायर्स ने अपना मोमेंटम को बढ़ाया और ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ही मेरा रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया और एक पूरा का पूरा लेवल क्रिएट हो गया, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि जो बायर्स का मोमेंटम है वो लूज हो रहा है, मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है। ये मुझको यही देखकर पता चल गया था। कुछ भी तामझाम नहीं है, कुछ भी पता निकालना हार्ड करने की कोशिश मैं नहीं कर रही हूँ कि आप ऐसे करो आप ऐसे करो धमाका हो जाएगा, नहीं। हमको रॉकेट साइंस नहीं लगाना, हमको क्या लगाना है, टाइम लगाना है और मार्केट का जो बिहेवियर है उसको समझना है। बिहेवियर क्या है गाइस, यहाँ पर देखो आप कैंडलस्टिक को समझो, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन कैंडल मोमेंटम को खो रहा है,
कंफर्मेशन के लिए एक रेड कैंडल मिल गया। मार्केट क्या किया, ये एक आप देखो मिनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल आप कुछ भी कह सकते हो, ये एक मेरा एक लेवल है। तो मार्केट इस लेवल पे थोड़ा सा करेक्ट हुआ, ग्रीन कैंडल बना, अगेन रेड कैंडल मिल गया सेलर्स का, और यहाँ पर मिल गया हमको डोजी। डोजी का मतलब क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल, अपर डायरेक्शन का ट्रेंड है, डोजी मिल गया, इस कैंडल पे मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर दिया और हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, ये आप बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो आई होप। अगर आपको कुछ भी इस कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत हुआ है तो वीडियो को एक बार थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देखो। और अब हम चलते हैं अपनी सेकंड ट्रेड की तरफ। सेकंड ट्रेड की तरफ गाइज, हम अपनी करेंसी को चेंज करते हैं और यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हमको शॉर्ट शॉट मिल जाए। और शॉर्ट शॉट के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम फ्रेम को कम कर लेते हैं। यार वीडियो लंबा हो जाता है और मुझे भी नहीं पता आप ये वीडियो में क्या सीख रहे हो। आप कमेंट करो या मुझे टेलीग्राम पे बताओ, तब तो मुझे पता चले, तो मैं कुछ सोचूं कि क्या अब क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ तो आपसे इंटरेक्ट होना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्लीज़ गाइज रिक्वेस्ट है कि कमेंट किया करो या टेलीग्राम पे बताया करो वीडियो कैसा लगता है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियोस लाती हूँ ना। अब अप डायरेक्शन के ट्रेड क्यों ओपन कर दिया इसको समझो। पहला, मार्केट का ट्रेंड अप है, ट्रेंड के साथ ट्रेड लेंगे बेनिफिशियल होगा। और सेकेंड ट्रेड भी हमारा विन हो गया। तो मैं क्या बोल रही थी कि ट्रेंड अप है तो ट्रेंड के साथ ट्रेड लेंगे। दूसरा, ट्रेंड अप है और यहाँ पर मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर चला गया है, इस कैंडल को आप देख रहे हो। ठीक है, सेकंड मैंने क्या देखा, इस कैंडल के बाद ये जो कैंडल है वो गैप अप के साथ ओपन हुआ है, यानी कि हमको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मार्केट का पता चल गया मूवमेंट। ठीक है, तीसरा, मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लिया, एक डोजी कैंडल बना और रिजेक्ट हो गया, यानी कि एक सेलर्स का कैंडल बना था, तो इसके बाद भी एक रेड कैंडल बनता लेकिन बन क्या गया, ग्रीन कैंडल, यानी कि यहाँ पर रिजेक्ट हो गया मार्केट। अब यहाँ से मार्केट शॉर्टली अप जाएगा और इसलिए मैंने अपर डायरेक्शन के ट्रेड 15 सेकंड के लिए गाइस ओपन कर दिया। इस तरीके से आपको मार्केट को रीड करना है पॉश और ये आपको जरूर रिजल्ट देगा। चलो बढ़ते अपनी थर्ड ट्रेड की तरफ। सो गाइस, नेक्स्ट ट्रेड हम अपने यहाँ पर इजिली ओपन कर सकते हैं और डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ओपन करेंगे। अब देखो गाइस, मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड क्यों ओपन किया। सबसे पहले तो आप देखो गाइस, बहुत सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ओपन कर दिया, क्योंकि ये जो कैंडल है और ये जो दो कैंडल की बात मैं बता रही हूँ, देखो ये कैंडल और ये कैंडल का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। पहला कैंडल छोटा था, दूसरा कैंडल एज कम्पेयर टू फर्स्ट कैंडल बड़ा था, यानी कि यहाँ पर जो कैंडल की मोमेंटम है वो हमको पता चला कि इंक्रीज हो रहा है, सेलर्स की जो मोमेंटम है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये पता चल गया। वो एक मिनट का ट्रेड लग गया, ये मैं सोची थी कि 15 सेकंड का लगा, अगर 15 सेकंड का लगता है तब तक हम विन कर चुके होते कि चलो कोई नहीं, देखते रिजल्ट क्या है। दूसरा गाइस, मैंने डाउन डायरेक्शन के ट्रेड क्यों ओपन कर दिया, ये है मेरा एक सपोर्ट लेवल, तो मार्केट यहाँ तक आने का कोशिश करेगा और साथ ही साथ जो सेलर्स है इसका मोमेंटम भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए गाइस मैंने ये ट्रेड ओपन कर दिया है 15 सेकंड के मार्केट को देखते हुए, और देखते हैं कि एक मिनट के मार्केट में हमको ये क्या रिजल्ट दे रहा है। देखो, आप जब भी कंपाउंडिंग करो पेशेंस के साथ करो गाइस, पेशेंस आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट देगा। और साथ ही साथ मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। आप क्या करो, मार्केट में टाइम दो। आप देखो गाइस, कुछ भी कर लो, वीडियोस देख लो या फिर वीडियोस से मेरे को एक बात याद आया जो मेरे को आपको बताना था कि जैसे मैंने देखा काफी लोगों का ट्रेडिंग वीडियोस। देखो गाइस, आप किसी का भी बात सुनकर कुछ अपने माइंड पे बैठा मत लिया करो। काफी लोग बोलते हैं आपको मार्केट क्या है, मार्केट घंटा है, मार्केट कुछ नहीं करता, अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मार्केट अप जाएगा तो जाएगा ही, अगले ही क्षण बोलते हैं कि कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है अपने मन से आपको कुछ साइकोलॉजी नहीं बनाना है। आप जिस भी सोर्स से सीख रहे हो आपको सबसे पहले उसमें ट्रस्ट होना चाहिए और जेन्युइन बातें होनी चाहिए जो आपको भी एग्री करे। मैं यहाँ पर आपको क्या बता रही हूँ, प्राइस एक्शन को फॉलो करो, मार्केट को फॉलो करो, ट्रेंड को फॉलो करो, कैंडल साइकोलॉजी को समझो, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न ये सब को समझो। और ये सारा सब समझने के बाद भी गाइज आप क्या सीखोगे, सिर्फ 10% सीखोगे, 90% आपका एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो मैं बताना चाह रही हूँ कि प्रैक्टिस करो गाइज। पुराना ठिकाना बात सुनकर हमको कुछ मन में बैठा नहीं लेना है कि ट्रेडिंग बहुत इजी है या ट्रेडिंग बहुत हार्ड है। सब कुछ आप पर डिपेंड होता है गाइस, आप जिस तरीके से ट्रेडिंग को ट्रीट करते हो। सो गाइस, अपना अब हम नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर ओपन करने वाले हैं और यहाँ पर हम अप डायरेक्शन की ट्रेड ओपन करेंगे। अब देखो गाइस, मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड क्यों ओपन किया, क्योंकि देखो गाइस सिंपल है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप है, पहला कंफर्मेशन पूरा हो गया। हालांकि आप अप डायरेक्शन की ट्रेंड में डाउन ट्रेड भी ले सकते हो आफ्टर द गेटिंग कंफर्मेशन, लेकिन सहूलियत के लिए हम अप ट्रेड है, अप ट्रेंड है तो अप ट्रेड लेंगे, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेड लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर अप ट्रेंड है इसलिए हमने अप ट्रेड लिया,
दूसरा मार्केट, यहाँ पर देखो सेलर्स का कैंडल का मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ साइकोलॉजी, कि सेलर्स का कैंडल एक बना, दूसरा बना, तीसरा छोटा बन गया, फिर बायर्स का कैंडल बना, फिर सेलर्स का कैंडल बना, मतलब कि सेलर्स यहाँ पर बल दिखाने की कोशिश किए लेकिन काफी छोटा बना, यानी कि हमको पता चल गया कि सेलर्स का मोमेंटम ओवरऑल यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और अगेन एक बड़ा रेड ग्रीन कैंडल दिखने को मिला है। तो ये यहाँ पर तो फॉर श्योर हो गया कि बायर्स का यहाँ पर ज्यादा प्रेशर है। हम ये ट्रेड, एटलीस्ट ये ट्रेड तो हम विन कर ही लेंगे गाइज, आफ्टर ऑल मार्केट वेरी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग हो रहा है। ओके, सो गाइज यहाँ पर हम क्या समझ गए कि मार्केट का जो सेलर्स का मोमेंटम है वो वीक हो रहा है, अगर हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करते हैं बायर्स से कैंडल लेने के बाद, तो फॉर श्योर ये ट्रेड हम विन कर जाएंगे आफ्टर द गेटिंग कंफर्मेशन फ्रॉम द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आल्सो, बिकॉज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर रोल रखता है। ये एक मेरा जो रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट को क्या करेगा, सपोर्ट भी देगा, ये भी मैंने यहाँ पर देखा था, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दिया था। ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ ट्रेड की तरफ। अगर ये वीडियो में अभी तक आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा, जेन्युइन लगा, देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार दिखाना। और ये चीज मेरे को आपको एक चीज बोलना था गाइस, कि देखो ये जो मैं वीडियोस बनाती हूँ किसके लिए बनाती हूँ, आपके लिए ही बनाती हूँ, तो हम लोग में इंटरेक्ट होना भी काफी जरूरी है। तो कमेंट में बताया करो या फिर आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। अब हम चलो अपने चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, जहां पर इसकी जो इन्वेस्टमेंट है इसको हम बढ़ा लेते हैं और यहां पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर हमको यहाँ पर कुछ अच्छा सिग्नल नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट इतना अच्छे वॉल्यूम में नहीं है, तो हम करेंसी चेंज करेंगे। सो अब हम यहाँ पर ट्रेड ओपन करेंगे और यहाँ पर जो टाइम है गाइज वो सिर्फ हम कर लेंगे 10 सेकंड का, ज्यादा लंबा नहीं वीडियो करना चाहते हैं, और ये ट्रेड होगा फॉर श्योर डाउन डायरेक्शन में। अब मार्केट इतने अच्छे वॉल्यूम में अप जा रहा है लेकिन मैं कह रही हूँ कि हम ट्रेड लेंगे डाउन डायरेक्शन में, क्यों ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको जरूर पता चल चुका है। वो इसलिए गाइज क्योंकि पहला जो कि बहुत ज्यादा बेसिक है वो है एक रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, इसलिए हो गया। दूसरा, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा गाइज कि मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड क्यों लिया। अब वो क्यों लिया ये मैं आपको नेक्स्ट ट्रेड में बताती हूँ, क्योंकि इसके लिए हम एक ट्रेड भी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है इसको हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमको अपना टारगेट भी कम्प्लीट करना है, कॉन्सेप्ट को भी समझना है। और यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से क्या डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ओपन करें, आप बताओ। मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था, मैं अभी आपको बता ही देती हूँ। ये बोला था कि अगर आपको किसी भी कैंडल में, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, लोअर शैडो दिख जाता है, जैसे कि मुझको यहाँ दिख गया था, यानी कि मार्केट का जो टेंडेंसी आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि मार्केट डाउन जाते हुए आपको मिल सकता है, और क्या कहना जब आपको रेजिस्टेंस भी साथी में मिल जाए, सोने पे सुहागा हो गया, ठीक है। पहला शैडो मिल गया डाउन और एक रेजिस्टेंस लेवल, एक कैंडल का कंफर्मेशन, सेकंड कैंडल पे ट्रेड, यहाँ पर है सपोर्ट, मार्केट वहां तक आने का कोशिश करेगा, बस इतना सिंपल है गाइस। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना सिंपल लगता है उतना प्रैक्टिस भी चाहिए आपको। तो ये था कॉन्सेप्ट। और अगर आपको मार्केट में अपर शैडो दिखने को मिलता है, यानी कि मार्केट का अप जाने का चांस ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर मार्केट अप नहीं जाकर नीचे गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बायर्स ऊपर जाने की कोशिश तो किए लेकिन यहाँ पर है एक रेजिस्टेंस लेवल, मार्केट ने रेजिस्टेंस को फॉलो किया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस कैंडल के एक्सपायर होने का वेट करेंगे और यहाँ पर हम अप डायरेक्शन की ट्रेड हम चाहते हैं प्लेस करना, और इसकी जो टाइम फ्रेम है इसको बढ़ा लेते हैं, थोड़ा रिस्की ट्रेड है ये हमारे लिए। और ट्रेड हमको लगता है कि किस डायरेक्शन में होना चाहिए, देखो गाइस आप जब भी कंपाउंडिंग करते हो ना, आपको सच बता रही हूँ मैं, आपको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, आपको आपको पेशेंस के साथ ट्रेड करना है, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट। यहाँ पर हमने फिर से अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया है, और यहाँ पर क्यों प्लेस किया, सबसे पहले तो आप देखो कि ये जो सेलर्स का कैंडल था ये अच्छा कैंडल था, उसके बाद से जितना भी कैंडल बना उसका मोमेंटम छोटा होने लगा, वो वीक होने लग गया, यानी कि मोमेंटम लूज हो रहा है। तो इससे हमको पता चल गया कि सेलर्स का मोमेंटम लूज हो रहा है, और सोने पे सुहागा जब हमको ग्रीन कैंडल मिल गया छोटा सा, उसके बाद जो कैंडल मिल गया बड़ा, उसके बाद जो कैंडल मिल गया बड़ा, उसके बाद जो कैंडल मिल गया बड़ा, यानी कि जो हमारा बायर्स है वो धीरे धीरे अपना मोमेंटम को इंक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ पर फॉर श्योर हो गए कि हम ट्रेड प्लेस करेंगे अप डायरेक्शन की, क्योंकि मार्केट इस रेजिस्टेंस तक आने की कोशिश करेगा और तब तक ये ट्रेड हम विन कर जाएंगे। आई होप ये आपको काफी समझ में आया है, अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को एक बार फिर से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी फिफ्थ ट्रेड की तरफ, और ये जो मैं गाइस ट्रेड कर रही हूँ ना आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करती हूँ, एज आई टोल्ड यू
तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ये मेरे शॉर्ट शॉर्ट मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पर अब हम चलो अपनी ट्रेड ओपन करते हैं। ओके, यहाँ पर क्या करना चाहिए गाइस, आप बताओ। आप देखो मार्केट में अपर शैडो मिला, हम ट्रेड लगा देंगे अप डायरेक्शन की। तो ऐसा नहीं है गाइस कि मैं सिर्फ अपर शैडो को देखकर ही ट्रेड लगाती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है। डोजी कैंडल आप देख रहे हो, स्ट्रांग कैंडल नहीं बन पाया है, उसके बावजूद मैंने ट्रेड लिया है, क्योंकि कुछ और चीजें भी होती है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, वो ये है गाइस कि देखो, तो ये ट्रेड हमने विन कर लिया, तो वो क्या चीजें है देखो गाइस, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, आपको हैमर मिला, हैमर के बाद आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल गया, जो हैमर के पहले वाला कैंडल को पूरा पूरा कवर कर लिया, और वो भी ऐसा वैसा कैंडल नहीं है, मारुबोजू है। मारुबोजू का काम होता है ट्रेंड को कंटिन्यू रहने देना। तो इस बेसिस पे मैं यहाँ पर कंफर्म हो गई कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो भाई अप है, और साथ ही साथ हमको अपर शैडो मिल गया। और अपर शैडो क्या क्या, इस रेजिस्टेंस लेवल को अपर शैडो क्या, इस कैंडल की बॉडी ने ही इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट भी दे दिया, तो हमने अप डायरेक्शन के ट्रेड ओपन कर दिया। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। और यहाँ पर हम अपनी जो अमाउंट है इसको बढ़ा लेते हैं और करेंसी को करते हैं चेंज। सो गाइस, अब अपनी नेक्स्ट ट्रेड हम यहाँ पर ओपन करेंगे, और जो हमारा ट्रेड होगा वो डाउन डायरेक्शन का होगा। 10 सेकंड के लिए गाइस हमने ट्रेड ओपन किया है डाउन डायरेक्शन की ओर, क्योंकि देखो गाइस मार्केट ऑलरेडी रिजेक्ट यहाँ पर हो चुका है, और यहाँ पर एक हमको ओके देखो गाइस डाउन डायरेक्शन की ट्रेड क्यों ओपन किया था, मार्केट अप है, यहाँ पर ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया था, तो मार्केट अप जाने की कोशिश किया, लेकिन जो रेड ग्रीन कैंडल थी वो डोजी बन गई और बहुत ही छोटा बना। डोजी तो ऑलरेडी छोटा होता है, बहुत शैडो का शायद शैडो दो गुना होता है ना, तो यहाँ पर डोजी मिल गया। मतलब कहने का है कि मार्केट अप जा रहा था, रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होने के बाद ग्रीन कैंडल डोजी मिल गया, तो ये हमको एक अच्छा सिग्नल था कि ट्रेंड रिवर्स होगा, और हमने इसलिए डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ओपन कर दिया। सो चलो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, और यहाँ पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा इसको सबसे पहले तो बढ़ा लेते हैं। इन्वेस्टमेंट अब हम यहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं, विच इज़ $90, और यहाँ पर जो करेंसी कर लेते हैं हम इसको चेंज, जहाँ पर हमको कन्फर्मेशन भी मिल रही हो, और यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे प्लेस बेझिझक, थोड़ा सा वेट करेंगे और अप डायरेक्शन की ट्रेड। अब देखो गाइस अप डायरेक्शन की ट्रेड क्यों प्लेस किया, मार्केट का जो मोमेंटम है वो अप डायरेक्शन का है, बायर्स का कैंडल आपको ज्यादा दिखने को मिल रहा है और गुड वॉल्यूम के साथ मिल रहा है, तो इसी के साथ गाइस हमने ये ट्रेड भी विन कर लिया है, क्योंकि 10 सेकंड का ट्रेड ओपन किया था, मार्केट इस रेजिस्टेंस तक आने का कोशिश करेगा और यहाँ तक में हम ट्रेड विन कर जाएंगे। ठीक है, तो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, और जो गाइस चीजें हैं आपको जो कुछ समझ में, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको आते रहेगी। तो अभी हम क्या करते हैं, और थोड़ा सा ट्रेड हम फिर से लेंगे, और यहाँ पर इस करेंसी में देखते हैं कि क्या हमको सिग्नल मिल रहा है। सिग्नल गाइस तगड़ा मिला है डाउन डायरेक्शन का, डाउन डायरेक्शन का सिग्नल मिला है, इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे डाउन डायरेक्शन का। ओके, लेकिन एक मिनट का ट्रेड लग जाएगा, है ना, एक मिनट का ट्रेड लग जाएगा, हम चाहते हैं कि हम नहीं उतना लंबा ट्रेड ले, हम यहाँ पर करेंसी को चेंज करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, देन वीडियो को गाइस प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना, ताकि अपकमिंग वीडियो मिस ना हो। और यहाँ पर हमको दिख रहा है सेलर्स का मजबूत कैंडल दिखने को मिला है, लेकिन ये क्या है, ये हम मार्केट का कोई ट्रैप है या रियल में है, ये चीज के लिए हम इस कैंडल का वेट करेंगे खत्म होने का, इस कैंडल का शेडो डिसाइड करेगा हमारा क्या होना चाहिए। ओके भाई, मार्केट तो इतना ज्यादा डाउन आ गया, अब तो भाई क्या ही बताए, इतना नीचे ट्रेड लगा दिया, ये बहुत डाउन आ गया यार, इतना डाउन इतना जल्दी से आ गया, मेरे को लगा नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, ये प्रॉफिट कर गया। सो ये प्रॉफिट हो गया गाइस, लेकिन ये कैंडल बहुत बड़ा बन गया था, मुझको लगा कि अरे यार ये तो ये सपोर्ट लेवल पर आ गया, मार्केट अप जा सकता है, लेकिन 10 सेकंड का था इसलिए ट्रेड हमने विन कर दिया। तो यहाँ पर मार्केट का देख सकते हो आप, सेलर्स का मोमेंटम कितना ज्यादा स्ट्रांग है, इसी बात को देखते हुए बिना किसी देरी का इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर बढ़ा लो, और यहाँ पर फिर से हम ट्रेड ओपन कर देंगे, इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ा लेते हैं, और जो ट्रेड होगा गाइज हम कोशिश करते हैं कि दूसरी करेंसी पे ट्रेड ले, जहाँ पर हमको बेहतरीन शॉर्ट शॉट मिल रहा हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या शॉर्ट शॉट है, और यहाँ पर क्या करेंगे, अप डायरेक्शन की ट्रेड बिना किसी देरी के ओपन कर देंगे। और बहुत ज़्यादा ये इरिटेट करता है जब आप लगाना चाहते हो 15 सेकंड का ट्रेड और लग जाता है 1 मिनट का ट्रेड, ये 1 मिनट का ट्रेड लग गया है, अगर 15 सेकंड का रहता या 10 सेकंड का रहता तो अब तक ये प्रॉफिट हो चुका होता।
तो वो ट्रेड क्यों ओपन कर दिया? सबसे पहले तो आप देखो, ये जो बायर्स का कैंडल है वो मोमेंटम मतलब ज्यादा नहीं है, छोटा छोटा है। तो यहाँ पर मतलब छोटा छोटा है, लेकिन उसके बावजूद सेलर्स ने अटैक नहीं किया, वो मार्केट को डाउन नहीं भेजा। मतलब कि यहाँ पर मोमेंटम तो छोटा है, लेकिन स्टिल बायर्स का कैंडल बन रहा है। और ये कैंडल जो था गाइस, वो काफी तगड़ा बना था। इसका मतलब कि बायर्स मोमेंटम को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे और इस कैंडल पे बढ़ा दिए, तो हम अब अप डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। और अगर ये रहता मेरा 15 सेकंड का तो ये हम विन कर लेते, क्योंकि मैं देख रही हूँ 15 सेकंड का मार्केट, लेकिन लग गया एक मिनट का। बट ये ट्रेड होपफुली ये भी ट्रेड हम विन करेंगे, क्योंकि हमने मार्केट में जो सटीक प्राइस एक्शन है इसको फॉलो किया है। आप भी गाइस प्राइस एक्शन को फॉलो करो, होपफुली ये ट्रेड हम विन करने वाले आफ्टर फ्यू सेकेंड। अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आया है, मुझे कॉमेंट में बताना या टेलीग्राम पे बताना, क्योंकि ये वीडियोज ही मैं आपके लिए बताती हूँ। और गाइज, जब भी आप कंपाउंडिंग करो, ट्रस्ट मी, पेशेंस के साथ करो, आपको ये रिजल्ट डेफिनेटली देगा। और ये ट्रेड हमारा विन हो गया है, तो अब हम अपना लास्ट ट्रेड ओपन करेंगे। और ये सच में गाइज हमारा लास्ट ट्रेड होने वाला है, इसके बाद हम अपनी कंपाउंड। सो गाइज, यहाँ पर हम अपनी ट्रेड लेने ही वाले थे और हम ये ट्रेड विन भी कर जाते, लेकिन लैपटॉप हो गया ऑफ क्योंकि चार्ज खत्म हो गया था, इसीलिए हमको ये फिर से करना पड़ रहा है। और यहाँ पर देखो गाइज क्या करते हैं, हमारी लास्ट ट्रेड है और ये जो लास्ट ट्रेड होगी वो होगी अप डायरेक्शन की ओर, लेकिन मार्केट देखो एक मिनट तक का करना पड़ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से वीडियो खत्म करूँ, तो क्या कर सकते हैं, ले ही लेते हैं। ट्रेड होगा विन गाइस, क्यों होगा? क्योंकि देखो मार्केट एक सपोर्ट लेवल पर है और यहाँ पर जो सेलर्स का कैंडल है उसका मोमेंटम यहाँ पर लूज होते जा रहा है, सेलर्स का कैंडल छोटा बन रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा, हमको ये कन्फर्मेशन मिला। बस गाइस सच बता रही हूँ, अगर आप इतना चीज को फोकस करोगे ना, आपको ये रिजल्ट देगा। बस शर्त ही आप डेमो में इसको रगड़ के प्रैक्टिस करो, और आप क्या करो, रियल में भी आप जा सकते हो। अगर आपको रियल में कॉन्फिडेंस आ गया तो आप जाओ, रियल अमाउंट में भी आप ये प्रॉफिट करो। लेकिन अगर आपको फिर भी डर लगता है तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे आप मेरे साथ ट्रेड करो। मैं ये नहीं बोलती आप मेरा ट्रेडिंग कॉपी करो, आप जो सीखो अपना दिमाग भी लगाओ, और अगर मैं भी वही आपको सिग्नल दे रही हूँ तो आप उसको ट्रेड लगा लो, ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये लास्ट ट्रेड है जो कि आप देख रहे हो कि हमारे फेवर में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने मार्केट को फॉलो किया है, कैंडल साइकोलॉजी को फॉलो किया है, और इस तरीके से आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। और इसके साथ अगर आप अपनी सहूलियत के इंडिकेटर का भी यूज करते हो, डैट्स इनफ, आप कर सकते हो, लेकिन प्राइस एक्शन इज द बेस्ट। और ये ट्रेड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स हम विन कर जाएंगे और अपना टारगेट हम कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ज्यादा रिस्की है, लास्ट के कुछ सेकंड रह गया है, लेकिन विन कर गए। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम अपनी कंपाउंडिंग चैलेंज को कंप्लीट कर लिए हैं, और ये आप भी कर सकते हो। बशर्ते आप क्या करो, प्रैक्टिस करो डेमो में, उसके बाद रियल में जाओ, रियल में ट्रेड करो, स्टार्ट करो। अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो गाइस, तो आप मेरे ट्रेडिंग सिग्नल्स भी ले सकते हो, और अपना कुछ भी डाउट मेरे साथ शेयर कर सकते हो, कमेंट में बताना या टेलीग्राम पे बताना, अपना प्यार दिखाना। और मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, तो ऑफ कोर्स मुझे भी पता होना चाहिए कि आपको ये वीडियोस कैसा लग रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।